काफी परिश्रम के बाद इस ट्रांसफार्मर को मैंने डिजाइन किया है। ये ट्रांसफार्मर एक स्पेशल ट्रांसफार्मर है जो 24 वोल्ट डीसी से 48 वोल्ट एसी बनाता है। ये ट्रांसफार्मर 500 मिली एम्पियर पावर का है जो आउटपुट रेटिंग एसी 500 मिली पावर एम्पियर देता है। आउटपुट कांस्टेंट पावर 48 वोल्ट। इस ट्रांसफार्मर को मॉडिफिकेशन करने के लिए मुझे करीब 3 से 4 दिन तक का टाइम लग गया है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को न तो हम मार्केट से प्राप्त कर सके और न ही किसी कंपनी के द्वारा निर्मित करा सके, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर एक स्पेशल डिजाइनर ट्रांसफार्मर है जो EMF पोटेंशियल को आउटपुट के लिए 48 वोल्ट करंट प्रदान करता है। इस ट्रांसफार्मर को मॉडिफाई करने के लिए पतले से पतले कॉपर वायर का यूज किया गया है। इस ट्रांसफार्मर को ऑसिलेट करने के लिए 4 वोल्ट की 6 बैटरियों का प्रयोग किया गया है। इस ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने के लिए चार से छः वोल्ट की बैटरी का पावर दिया गया है। ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कांस्टेंट पावर के लिए कन्वर्ट आउटपुट स्टेज को दी गई है। जैसे ही हम डीसी करंट को एक स्विच के द्वारा कनेक्ट करते हैं, आउटपुट में न्यून LED ऑन हो जाती है। ये न्यून LED सिर्फ AC करंट से ही ऑन होती है। इस न्यून LED को जलाने के लिए एक बैटरी से लेके 10 बैटरी तक भी यूज किए जाएं तो भी ये नहीं जलेगी। ट्रांसफार्मर का मूल प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेट पर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर में दो तरह की कॉइल यूज की जाती हैं, पहला प्राइमरी कॉइल, दूसरी सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में करंट को प्रवेश कराया जाता है, सेकेंडरी कॉइल से करंट को प्राप्त किया जाता है। यह ट्रांसफार्मर एक लो पावर इनटू कन्वर्ट हाई पावर मॉड्यूलेशन की तरह वर्क कर रहा है। इस ट्रांसफार्मर में एक
लीव शुष्क का प्रयोग किया गया है। इसको शुष्क हम जैसे पुश करेंगे आउटपुट से 48 वोल्ट प्राप्त हो जाएगी। इस आउटपुट वोल्ट को हम 500 मिली एम्पियर तक करंट में कन्वर्ट करते हैं।